वो तो इतना टेस्टी नहीं था और उसका बाउल भी कुछ बहुत ही बड़ा था, तो वो तो मुझसे खाया नहीं गया। मैं इसको बाहर रखने लगी हूँ और बाहर मेरा खाने का पार्सल आया हुआ है, फास्ट फूड वाला जो आज हम लोगों ने ऑर्डर किया, तो वो मैंने उठाना है और इसको बाहर रखना है। इसको बाहर रखेंगे। ये कि आ गया है वेलनेस बर्गर, पता नहीं क्या कुछ, और ये कहीं दोनों मेरे पास इतने आ गए। 5-1-2 है तो मेरे, लेकिन जूसेस दो दोनों मेरे हैं क्या? अलीजा से कंफर्म करती हूँ कि मेरा उसके पास तो नहीं चला गया। और अभी खाना तो फिर थोड़ी देर में ही खाते हैं। यहाँ के मसले मसाइल हैं, अब मेरे पास दो कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं और ये दो दो चीज़ें आ गई हैं। एक पार्सल मेरा था, एक मेरी फ्रेंड का था, उसके पास नहीं गया, वो मेरे पास ही आ गया मुझे लगता है। खोल के देखती हूँ उसमें क्या है। चिकन पीस है, ये चिकन पीस है, ये भी चिकन पीस है, दो हैं, दो ही रैप्स हैं और दो ही बर्गर हैं। ये तो मेरा, मेरे पास दो दो चीज़ें आ गई हैं, लीजा का तो आया ही नहीं है अभी। ये हम लोगों ने डील मंगवाई थी इकट्ठे और वो मेरे ही रूम में डिलीवर करके हैं दोनों की, तो मैं अपनी फ्रेंड का अलग से पैक करके रख रही हूँ, उसको बुलाया है तो वो ना दे आएगा अलीसा को, मेरी फ्रेंड को, तो ये मैं शॉपर में पैक करने लगी हूँ उसके लिए, अल्लाह करे जल्दी से आ जाए वो। खाना रखने लगी हूँ अपना और वो मेरी फ्रेंड को नहीं दिया उन्होंने, वो भी मेरे पास ही आ गया। अब कल उसके लिए दो डील्स मंगवाऊँगी मैं। और ये रैप है, इन सब चीज़ों को भी ओपन करके रखते हैं अभी और देखते हैं मेरी डिश कैसी सेट होती है। तो ये मेरा प्लेटर तैयार हो गया है, ये दोपहर वाले वो काबली पुलाव में से कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन ये बस मुझे अभी खाना नहीं है, बस मैंने प्लेटर को डेकोरेट करने के लिए इसको रखा हुआ है। और बाकी ये चीज़ें अभी मंगवाई हैं इनको भी, ये बर्गर है जिंगर, ये विंग्स हैं क्रिस्पी, और साथ में ये रैप है। इनका जो रैप होता है ना, इसकी जो रोटी होती है ये बहुत टेस्टी होती है, तो साथ ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अच्छी चीज़ मिली मुझे वो ये वाला बाउल सा जो है, प्लेट टाइप, तो अभी पानी गर्म हो रहा है, ये भी नीचे से गर्म होना शुरू हो चुका है, तो इसके ऊपर जब फुल गर्म हो जाएगा तो दोनों साइड से चेंज कर करके इसको गर्म कर लेंगे चीज़ों को। इसलिए क्या क्या डेकोरेशन करनी थी और खाना मैंने सिर्फ ये था। खैर बर्गर भी टेस्टी है और ये भी टेस्टी है, लेकिन जो पैसे हैं ना वो बहुत ख़राब है, क्योंकि ये इतना सा, मतलब एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक, एक चिकन, ये दो विंग्स, साथ में एक रैप, ये पूरा है 28 युआन का, है 954 पाकिस्तानी, यानी 950 ही समझ लें, 950 पाकिस्तानी का ये सारा खाना है। और पाकिस्तान में 950 में एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट की के दो बर्गर और मेरे ख्याल 10 विंग्स तो आराम से आ जाते होंगे, और बहरहाल करीब करीब है। लेकिन पिछले दो दिन जो हम लोगों ने खाना खाया उससे तो सस्ता ही है, वो तो बहुत महंगा था, 100 युआन, 150 युआन प्लस इस तरह से बिल बनता था डेली का। तो शुक्र है हमें इस चीज़ का पता चला, यहाँ पे ये भी है, तो चाहे वो भी बता ही दूँ, वो ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, विंग्स जो है वो बहुत स्पाइसी है अंदर से, मतलब देखने में नहीं लग रहा लेकिन है स्पाइसी और टेस्टी है। तो मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है और अब भूख बहुत शदीद लग चुकी है, इसलिए मैं कुछ गर्म करना चाहती हूँ। विंग्स तो मैं रख लूँगी, वो मैं बिरयानी के साथ खाऊँगी, और इसको गर्म करके देते हैं, और आई थिंक शॉपर समेत ही मैं इसको ना इसमें डालने की कोशिश करती हूँ, शायद ये चल जाता है विदाउट हो ना, ट्राई करते हैं कि क्या बनता है। 2 पीसेस करके ना डाल, 2 पीसेस कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल कड़वी हो चुकी है, आई थिंक ये लोग ना शुगर कम डालते हैं कोक में, तो हमारे तो वहाँ पाकिस्तान में शुगर ज़्यादा होती है तो कोक मीठी हो जाती है, कड़वी हो चुकी है। इसको तो मैं फेंकने लगी हूँ, बहुत ही गंदा टेस्ट है इसका। और ये मेरा बर्गर गर्म हो ही चुका होगा, बर्गर और वो जो मैंने डाला है इसमें, हो गया होगा तकरीबन, एक दफ़ा और ज़रा गर्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं ताकि इसका टेस्ट बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह फ्रेश हो चुके हैं, ये शुक्र है कि फ्रेश अच्छे से हो गए, बिल्कुल ठंडे ठंडे नहीं लग रहे जैसे थे पहले ना, तो ये रेडी हो गया।
ज़रूरत नहीं है मेयोनीज की, वैसे सॉसी था थोड़ा ज़्यादा, तो बस अब इनको हम खाते हैं। बस इनको अब मैं खाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर तक जी मतलब समझे कि मेरा ब्रेकफास्ट भी है, मेरा लंच भी है, और टाइम इस वक्त हो रहा है यहाँ पर 6:30। खाना और पीने की रूटीन जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हुई है यहाँ पे। बस इसके बाद राइस बनाती, फिर वो 11-12 बजे तक खा लूँगी। और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग।